हम सबकी राजधानी ला 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 राजधानी। ज्यादा से ज्यादा गोर गरीब के लिए डेवलपमेंट के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकता है, ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो हमारा सिविल हॉस्पिटल है, वो सिविल हॉस्पिटल का ये 6 महीने के अंदर नक्शा बदल जाएगा, वो अच्छा बन जाएगा। वहां पर भी अच्छी सुविधा मुहैया कराई जाएंगी, जो है उसको दुरुस्त किया जाएगा, उसको लगकर और 50-100 बेड का हॉस्पिटल का प्रस्ताव सरकार को दिया गया है। मुझे उम्मीद है बहुत जल्द उसको भी मान्यता मिल जाएगी। आपने देखा होगा नोएडा मार्केट को लगकर सिर्फ बच्चे और महिलाओं के लिए 100 बेड के हॉस्पिटल का काम प्रगति पथ पर है। मैं समझता हूं आने वाले 6 महीने के अंदर वो हॉस्पिटल हमारे मालिकाओं वासियों के लिए, हमारी मां बहनों के सेवा में वो रुझू हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। वो हॉस्पिटल मेरी आप पदाधिकारी से विनती है, आप सबको विनती है, अगर आप मौसमपुर में जाएंगे, छावनी पुलिस स्टेशन के पीछे, नोएडा मार्केट के पीछे हॉस्पिटल का काम प्रगति पथ पर है। बन जाने के बाद तो दिखने वाला है, लेकिन जब काम चल रहा है तो जरा आप नजर लगा के आओ। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, मालेगांव में एक भी खाजगी हॉस्पिटल में नहीं होगी ऐसी सुविधा, वो सरकार के हॉस्पिटल में हमारे छोटे बच्चे और महिलाओं के लिए मुहैया कराई जाने वाली है। हम सबको पता है अगर एक आदमी डिलीवरी केस रहती है, खासगी दवाखाने में जाएंगे तो 5-10 हजार रुपया लगता है, सीजर केस नहीं तो 25-50 हजार रुपया लगता है। तो ये सब 6 महीने के बाद किसी को मालेगांव के बाहर खासगी दवाखाने में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी निधि से तकरीबन 2 करोड़ रुपये से जायद का काम मैंने यहाँ पर दिया था, और अल्हम्दुलिल्लाह वो सारा सामान जो कोरोना के टाइम में जिसकी ज़रूरत थी, अल्हम्दुलिल्लाह कई टप्पों में वो सारा सामान आया और हॉस्पिटल में मरीजों के काम भी आया। मेडिसिन थी, कुछ मशीनरी थी, और उसी के साथ जो है ये अपने सिलेंडर वगैरह थे, ये सारी सुविधाएं उसमें करीब 2 करोड़ रुपया मैंने दिया था। अभी इस वक्त जो है अपने सामान्य रोगनाले के अंदर जो सहूलतें आ रही हैं, आप देखोगे 2009 से 14 के दरमियान जो सहूलतें थी उसके बाद कोई सहूलत सिविल सामान्य रोगनाले को मिली नहीं थी, लेकिन कोरोना में दोबारा ये 2014 से अब तक जो सहूलतें मिलनी चाहिए थी वो मिली नहीं। अब 19 से लेकर के अब तक आप देखोगे हर साल मुसलसल जो सहूलतें मिल रही हैं, जो मशीनें आ रही हैं, अगर मालेगांव ज़िला घोषित हो जाता है तो इसको जो है 100% वो सारी सहूलतें मिल जाएंगी जो डिस्ट्रिक्ट के सिविल हॉस्पिटल को मिलती है। मालेगांव मुस्तफ़ा बंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में कारपेट दिया जाता है, हर किस्म का यहां पर कारपेट दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मालेगांव मुस्तफ़ा बंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है।